हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा बायोटिक इंटरेक्शन। हमने इन वीडियोस में अभी तक जितनी वीडियोस आई उसमें हम पार्ट पढ़ रहे थे हमारे एनर्जी फ्लो के बारे में, यानी कि हमारा जो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है हमने उसमें पढ़ा था कि तीन चीजें होती हैं, एक तो एनर्जी फ्लो होती है, एक न्यूट्रिएंट साइकिल होती है और एक होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो जो हमारा एनर्जी फ्लो था ये उसका आखिरी वीडियो है, ये वो पार्ट अब खत्म हो रहा है। तो एनर्जी फ्लो में हमने क्या पढ़ा, हमने जाना कितने तरीके के हमारे स्पीशीज होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जब मिलते हैं किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होता है, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज हमने उसमें पढ़ी। फिर हमने ये भी जाना कि पॉल्यूशन से रिलेटेड लेके अगर पॉल्यूटेंट आते हैं तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरी स्पीशीज पर। आखिरी जो टॉपिक है ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है बायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन के बारे में, यानी कि जब दो बायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं, चाहे वो एनिमल एनिमल हो या फिर वो प्लांट प्लांट हो या फिर वो एनिमल प्लांट हो, जब वो मिलेंगे तो उससे किसी को फायदा किसी को नुकसान, या फिर किसी को दोनों को फायदा होगा या दोनों को नुकसान होगा, या एक को फायदा एक को नुकसान या दोनों को हार्म ही नहीं करेगा, कुछ इस तरीके के इंटरेक्शन जब आते हैं। जैसे एक इंसान दूसरे से मिला, उसने उसका फायदा उठाया लेकिन दूसरे को उसका फायदा नहीं मिला, तो वैसी सारी चीजें हम इंटरेक्शन इसलिए कह रहे हैं कि बायोटिक इंटरेक्शंस, तो वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्या होता है बेसिकली देखिए, सो द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स इज फंडामेंटल फॉर इट्स सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम एज अ होल, यानी कि जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा वो क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्शन से ही तो जुड़ा हुआ है। अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे इंटरलिंक्ड नहीं हो पाएंगे, तो इकोसिस्टम कैसे चलेगा, सब एक दूसरे पे ही तो डिपेंडेंट है ना। एनिमल्स क्या है, कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, सब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, प्लांट्स पे है, कुछ हर्बी है, कुछ कार्निवोरस है, कुछ ओमनिवोरस है। तो ये जो पूरा सेटअप है इसका इंटरेक्शन होता है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो इसका जो बेसिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। तो कुछ तरह के इंटरेक्शन होते हैं, बुक में जो डायग्राम वगैरह दिया हुआ है ना वो सेम वही मैंने बनाया है इसमें भी, और छह तरीके के होते हैं, प्लस इसमें कुछ साइंस के बारे में आप समझ लो। अगर प्लस होता है तो मतलब बेनिफिट मिल रहा है, माइनस है तो मतलब हार्म हो रहा है, और जीरो का मतलब होता है ना बेनिफिट नो लॉस, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है यानी कि जब दो स्पीशीज मिलेंगे तो उन दोनों स्पीशीज का इंटरेक्ट होने के बाद दोनों को बेनिफिट मिले, तो कहते हैं म्यूचुअल, दोनों को बेनिफिट होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन भी लगाया प्लस प्लस का। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है बीज टेक फूड पोलन एंड नेक्टर, यानी कि जो मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां जब क्या करती है अपना छत्ता बनाने के लिए पोलन एंड नेक्टर जो फूलों में से निकाला जाता है उसको निकालता है वो अपने फायदे के लिए, उसके बाद वो बाकी फूलों पे भी जाता है तो वहां पे भी वो स्प्रेड करता है, तो उससे क्या होता है दो फूलों के बीच में रिप्रोडक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहां से फ्लावर्स को भी फायदा होता है, प्लांट्स को और बीज को भी फायदा होता है, क्योंकि जो मधुमक्खी है उसके छत्ते के लिए काम बन जाता है। तो इस तरीके से म्यूचुअलिज्म होता है पहला इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फायदा होता है। अगला आता है हमारा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म मतलब डंग बीटल्स क्या होते हैं, काऊ, अब इसको समझाता हूं। गाय का गोबर जो होता है ना हमारा, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मैं दिखा देता हूं कैसा होता है, ये इस तरीके का काला कीड़ा होता है, कैसा इस तरीके से होते हैं उसमें, ठीक है, और मोटा सा मुंह भी होता है उसका, पूरा काले रंग का होता है, आपने देखा होगा कभी कभार, आपको काफी बड़े इतने बड़े साइज का होता है ये कीड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये जो कीड़ा होता है इसको क्या फायदा होता है, इसको काऊ डंग की गंदगी भी रहता जाता है, गाय के गोबर में इसको रहना पसंद होता है, तो वो उसके लिए एक हैबिटेट घर बन जाता है और खाना भी इसके लिए हो जाता है, लेकिन इसमें गाय को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोला गया है कि गाय है मतलब उसको डंग बीटल, बीटल हम इसको बोलते हैं जो कीड़ा होता है, तो उसको फायदा होगा, काऊ को ना फायदा ना नुकसान, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अब गाय का गोबर है वो तो ले लेते हैं ना हम लोग अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन गाय को उससे क्या फायदा हो रहा है, गाय को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है उससे, तो वो भी हम कह सकते हैं। तो डंग बीटल की जगह गाय का गोबर सुखा के जो उपला बनाया जाता है तो उसमें क्या है, हम ह्यूमन को फायदा होता है आग लगाने के लिए, ठीक है, चूल्हे में रोटी जलाते तो उसमें भी काम आता है, तो आग जलाने बर्निंग में ज्यादा काम आता है काउडंग, तो ह्यूमन को भी फायदा है लेकिन इसमें काउ को भी फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कमेंसलिज्म एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया। अगला आता है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन मतलब एक खाने के लिए दो लोग भाग रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जानवरों को नुकसान होगा। सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड सेम फूड फॉर बोथ, यानी कि अगर दो जानवर है दोनों को एक जैसा ही खाना चाहिए तो खाने की शॉर्टेज हो सकती है, कंपटीशन होगा, मैं खाऊंगा तो इसके चक्कर में क्या होगा, जिसको खाना नहीं मिलेगा उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, माइनस माइनस। अगला आता है प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब होता है कार्निवोरस एनिमल्स, यानी कि एक को फायदा दूसरे को नुकसान। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए दो कार्निवोरस एनिमल्स, अगर मान लीजिए शेर है किसी मुर्गी को मार के खा गया है, किसी
बकरी को मार के खा गया, तो शेर का फायदा हो गया और बकरी का नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मारी जा रही है, उसको खाने को तो मिला नहीं, ऊपर से उसको मार दिया जा रहा है, डेथ हो रही है उसकी। तो यहाँ पे कार्निवोर सबसे अच्छा एग्जांपल होता है प्रेडेशन का, प्लस माइनस, यानी कि शेर को फायदा और बकरी को नुकसान। अगला आता है हमारा अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म होता है हमारा, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, बिग ट्री, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बड़ा पेड़ है छोटा पेड़ है, यानी कि जो बड़ा पेड़ होता है वो छोटा पेड़ उसके पास है तो उसको शेड दे रहा है, तो उससे धूप नहीं मिलेगी, तो बड़े पेड़ को क्या हो रहा है, ना तो फायदा हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है। बड़ा पेड़ तो अपना खड़ा है आराम से, धूप ले रहा है, मजे से अपना चल रहा है, उसको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ छोटे पेड़ को उससे नुकसान हो रहा है क्योंकि धूप नहीं मिल रही है तो छोटे पेड़ की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो इसलिए जो छोटा पेड़ है उसको नुकसान हो रहा है माइनस, और बड़े पेड़ को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना फायदा ना नुकसान, वो तो अपना आराम से खड़ा है धूप में, तो धूप पड़ने से क्या हो रहा है उसी को ग्रोथ मिल पा रही है छोटे पेड़ का। अगर आप पार्क्स वगैरह में देखेंगे ना, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके पास अगर आप छोटा पौधा उगाएंगे तो उसकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो उसको हम बोलते हैं अमेंसलिज्म, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म बेसिकली क्या होता है, दोनों को ही ना नुकसान ना फायदा, तू अपने घर हम अपने घर मस्त, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल है जो हमारा कैक्टस होता है ना, जो रेगिस्तान में पाया जाता है, कैक्टस और टेरेंटुलस। टेरेंटुलस बेसिकली एक तरह का बिच्छू होता है थोड़ा, तो वो इन दोनों का एक दूसरे से कोई इंटरलिंक्ड नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि कैक्टस है कांटे होते हैं तो दोनों अलग अलग है ना, दोनों का फायदा और नुकसान, इस तरीके के एग्जांपल। तो बेसिकली नेचुरलिज्म एक ये हो गया, कह लो कि दो तरह की स्पीशीज हो गए, चाहे वो प्लांट एनिमल, प्लांट प्लांट या एनिमल एनिमल, और दोनों एक ही जगह पर रह रहे हैं लेकिन दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर एक फैमिली मेंबर है, दो फैमिली मेंबर साथ रह रहे हैं और दूसरे को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो लाइफ तो बेटर चल रही है ना, ना दूसरे को एक दूसरे से नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, तो वो वाली कंडीशन में हम उसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। जैसे स्कूल की बात करें, स्कूल में अगर दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो ना दोनों बच्चे को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम है, ना ही फायदा है ना नुकसान है, क्योंकि दोनों वहां पे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, दोनों पढ़ने आ रहे हैं ना वहां पे, और दोनों पढ़ पढ़ के अपना निकल जाएंगे, दोनों एक दूसरे के ना इंटरफेयर कर रहे हैं ना ही एक दूसरे से कोई मतलब है, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है न्यूट्रलिज्म का। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया, छोटा सा टॉपिक था हमारा बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में। अब हम तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट खत्म हो गया, कौन सा, हमारा एनर्जी फ्लो का। अब हम अगले वीडियो से हम थोड़ा पढ़ेंगे किसके, न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में, यानी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने यूपीएससी की बुक्स परचेज नहीं करी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक अवेलेबल है, आप उन लिंक पे क्लिक कीजिए, अमेजोन से आप यूपीएससी की बुक्स, चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।